महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7:37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रियो, इन दिनों में हम जीवन क्या है इस विषय पर मनन कर रहे थे। जीवन का अर्थ और बेहतर हमें समझ में आ रहा है। कितनी कठिनाइयों से हम गुजरे हैं प्रियो इन दिनों में। कई जो भय के मारे, कई जो भय में ग्रसित थे प्रियो, उन्हें सांत्वना देने के लिए जीवन जल की ओर से जब इन वचनों का प्रसारण हो रहा था, आपने इन वचनों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह में सांत्वना पाया, यह हमारी उम्मीद है। प्रियो, इन कठिन दिनों में जीवन का अर्थ और बेहतर हम समझ पाए हैं, ये मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि हमारे साथ कितने ही हमारे ही भाई बंधु थे, हमारे मित्रगण थे, हमारी कलीसिया के सदस्य थे, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है। सवाल कई मनों में उठते हैं, कई सवालों से जब हम जूझ रहे हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम जीवन का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद हम उन सारे सवालों का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। और पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार पिछली बार हमने जीवन की परिभाषा को देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 35वां वचन, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। प्रियो, जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, जीवन के विषय में हमने जो परिभाषा देखी, उस परिभाषा को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। कंसाइज बाइबल डिक्शनरी के अनुसार जीवन की परिभाषा हमने जो देखी थी वह यह है कि जीवन के द्वारा सृष्टि सृष्टिकर्ता का आनंद मना सकता है, अनुभव ले सकता है, आदर कर सकता है और आराधना कर सकता है। प्रियो, हमने आनंद और अनुभव के विषय में देखा था, दाऊद के लिखे हुए भजन 51 उसके 12वें वचन से हमने देखा कि जिसका उद्धार होता है वह अपने जीवन में उद्धार का आनंद मनाता है, जिसके द्वारा वह परमेश्वर का आनंद ले पाता है। और फिर हमने देखा कि जब हम पवित्रीकरण का अनुभव करते हैं, पवित्रीकरण के अनुभव के द्वारा हम परमेश्वर का अनुभव कर पाते हैं। आज हम तीसरे विषय की ओर बढ़ रहे हैं और यह तीसरा विषय है कि परमेश्वर का आदर करना। और मैं हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर को हम पर प्रकट किया उसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18वें वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र जो उसकी गोद में था उसने हम पर उसे प्रकट किया है। जब तोमा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु के सामने घुटनों पर गिरकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, तब प्रभु यीशु मसीह ने तोमा से कहा, तूने तो देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं फिर भी विश्वास किया है। प्रियो, इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने परमेश्वर को इस संसारिक आंखों से कभी नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह को इस शारीरिक आंखों से हमने कभी नहीं देखा है, फिर भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमने अपने जीवन में आत्मिक नजरों से प्रभु यीशु मसीह को देखा है, हमने परमेश्वर को देखा है। ऐसे में जब हम परमेश्वर के सामने आज उपस्थित हैं, हम किस रीति से परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में इस विषय को भुला देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम भुला देते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है और हमारे व्यवहार बड़े ही कठिन और भयंकर होते हैं।
लुका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के पहले वचन के अनुसार, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। इस वचन को पढ़ते समय हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह झुंड को चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ठोकरों का लगना इस जीवन में अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है इसलिए हमें ठोकरें नहीं लगेगी। ठोकरें तो लगेंगी, लेकिन प्रभु कहते हैं हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। इस वचन में जो ठोकर शब्द है इसका अर्थ है बुरी प्रेरणा, या हम इस वचन को इस तरह भी कह सकते हैं, मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करने वाले कार्य जो भी मनुष्य करता है उस मनुष्य के लिए कई कठिनाइयां हैं, उस मनुष्य के लिए हाय। यदि मैं अपने जीवन के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा आपको पाप करने के लिए प्रेरित करता हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझ पर हाय। यदि आप में से कोई ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे बोलते हैं या ऐसे विचार रखते हैं जिसके द्वारा दूसरों को ठोकर पहुंचे, ऐसे में प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है तुम पर हाय। ये बातें हम क्यों सुन रहे हैं, ये बातें हम क्यों सीख रहे हैं? ये इसीलिए कि परमेश्वर का अनुभव लेने के लिए, परमेश्वर का आदर करने के लिए हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। सभाओं में, मंडलियों में, जहां परिवारों में, कलीसिया में हम एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण न बने। हमारे जीवन के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यदि मेरे कारण किसी को ठोकर पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे, मुझ पर हाय होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुभव करने के लिए, परमेश्वर का आदर करने के लिए हमें एक दूसरे का आदर करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पवित्र शास्त्र में, विशेष रीति से नए नियम में ये बार बार हमें सलाह दी गई है कि हम एक दूसरे का उचित आदर करें। प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए एक दृष्टांत के अनुसार जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति भेंट को परमेश्वर के सामने लाता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने आप को जांच, यदि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कोई बैर है तो जाकर उससे सुलह कर ले और फिर आकर भेंट चढ़ा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कैन के भेंट को परमेश्वर ने इसीलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि कैन के मन में पाप था, कैन के मन में सच्चाई नहीं थी, कैन में विश्वास नहीं था। जहां विश्वास होता है वहां सच्चाई होती है, जहां सच्चाई होती है वहां मेल मिलाप होता है। मेल मिलाप के द्वारा हम एक दूसरे का आदर करते हैं और जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं हम परमेश्वर का आदर करना सीखते हैं। यदि मैं अपने भाई को जिसे मैं देखता हूं उसका आदर ना कर सकूं तो कैसे मैं उस परमेश्वर का आदर करूं जिसे मैं देखता नहीं हूं? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन चेतावनियों के साथ आइए हम आगे मनन में बढ़े। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 6वें वचन से लेकर 11वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि
कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। इन वचनों में हम प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को देखते हैं। इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, उसके गुणों को, उसके कार्य को और उसकी मनसा को हम देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि भविष्य में जब प्रभु यीशु मसीह सर्वोन्नत होगा, राज्य करेगा, तब हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और कहेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, मेरा सवाल यह है कि पौलुस ये बातें किस उद्देश्य से फिलिपियों को लिख रहा है? इन वचनों को लिखने का उद्देश्य पौलुस का क्या है? हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह की उत्तमताओं को, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को इसीलिए देखते हैं क्योंकि पौलुस चाहता है कि फिलिपियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों का मन प्रभु यीशु मसीह के मन के अनुसार हो। देखिए मेरे साथ पांचवें वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही आपका और मेरा स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, उसे समझने के लिए छठवें वचन से ग्यारहवें वचन तक पढ़ने को कहा गया है। लेकिन प्रियो, मैं एक और विशेष बात पूछना चाहता हूं। पौलुस यहां पर क्यों कह रहा है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हो? उसे समझने के लिए हमें तीसरे वचन और चौथे वचन को पढ़ना होगा। तीसरे और चौथे वचन में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आपने यहां पर गौर किया? पौलुस फिलिपी की कलीसिया के संतों के विषय में कहता है कि तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आप मुझसे बेहतर हैं, आप मुझसे अधिक ज्ञान रखते हैं, आपका स्वभाव मुझसे बेहतर है, आप मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप मुझसे बेहतर हैं। इस संसार में ठोकर लगाने का कारण यह है कि मैं प्रयास करता हूं कि मैं दिखाऊं कि मैं आपसे बेहतर हूं। यही कारण है कि मैं झूठ का सहारा, कपट का सहारा, छल का सहारा लेकर अपने आप को ऊंचा साबित करना चाहता हूं, आपसे बेहतर अपना आप को प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। जब मैं आपका आदर करूंगा तब मैं परमेश्वर का योग्य आदर कर पाऊंगा। कितना गंभीर, कितना सुंदर ये वचन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम एक दूसरे का आदर करना सीखें, यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे का आदर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में होगा, परमेश्वर की प्रसन्नता हम में होगी और हम परमेश्वर का आदर कर पाएंगे। सिर्फ बोलचाल से नहीं प्रियो, लेकिन अपने क्रियाओं में, अपने जीवन में हम परमेश्वर को अति उत्तम स्थान दें। परमेश्वर की योग्य, परमेश्वर का योग्य आदर हम कर सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम एक दूसरे के आदर के विषय में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का एक और वचन इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 13वें अध्याय के पहले वचन में इस तरह से हम पढ़ते हैं, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। लेट ब्रदरली लव कंटिन्यू। प्रियो, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, brotherly love should continue, इसके लिए कई बार हमें हानि उठाना पड़ेगा। भाईचारा या भाई बंधु, यह शब्द पहली बार अब्राहम ने लूत से कहा था। जब अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच में मतभेद था, उस समय अब्राहम ने लूत से कहा, हम तो भाई बंधु हैं, we are brethren। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अब्राहम ने लूत से कहा,
तुझे जिस दिशा में जाना है उस दिशा को चुन ले, दूसरी ओर मैं जाऊंगा। लूत ने क्या चुना? हरी चराइयों को चुना। अब्राहम के लिए क्या छोड़ा? जंगल छोड़ा, सूखी बंजर जमीन अब्राहम के लिए छोड़ दिया। मनुष्य की दृष्टि में देखें तो अब्राहम के लिए कितना बड़ा नुकसान था, लेकिन वहां पर भाईचारे की प्रीति बनी रही। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे की प्रीति के द्वारा हम एक दूसरे का आदर करना सीख पाते हैं। भाईचारे की प्रीति का एक सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल में पतरस और पौलुस है। गलातियों को लिखी गई पत्रिका दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? प्रियो, सबके सामने पौलुस ने कैफा को लताड़ लगाई है, लेकिन पतरस सेवकाई के विषय में पौलुस के विषय में क्या सोचता है और पौलुस के विषय में क्या कहता है? यदि हम दूसरा पत्रस 3:15 में, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। प्रियो, पत्रस का यह स्वभाव देखिए, जहां पर पौलुस ने सबके सामने उसको डांटा है, उसी पौलुस को वह अपनी पत्रिका में प्रिय भाई पौलुस कहता है। कितना आदर वह पौलुस को दे रहा है। प्रियो, एक दूसरे को हम आदर दें, यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को आदर देंगे तब हम परमेश्वर का आदर कर पाएंगे। इस अध्ययन में परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन के विषय में इन दिनों में सीखते समय आपने कई गंभीर विचारों को हमारे मन में रखा है। जीवन के द्वारा हम आपका आनंद ले सकते हैं, आपका अनुभव ले सकते हैं, और आज हमने देखा हम आपका आदर कर सकते हैं। प्रिय प्रभु, हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को सांत्वना दें, एक दूसरे को सहारा दें, न कि हम एक दूसरे को ठोकर लगाएं, क्योंकि ठोकर लगाने वाले पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाय। ये बड़ी चेतावनी के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे का आदर करेंगे तब हम आपका आदर करना सीख पाएंगे। प्यारे पिता, हम पर आपकी अनुग्रह बनी रहे, सारी बातों में आप बड़े हम घटे, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना करते हैं पिताजी, आमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। YouTube जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30, हर बुधवार शाम 6:30 और शनिवार रात 9:00 इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।